सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। और अब बारी है मिलने की फैन नंबर वन से। जी हाँ, आखिर कौन होगा आदिति का फैन नंबर वन? हाय, काश ऐसा होता कि मेरा भी कोई फैन होता। बहरहाल यहाँ पे इस अदिति की नहीं, उस अदिति की बात हो रही है भाई, अदिति गुप्ता की बात हो रही है। जानना चाहते हैं कि कौन है उनका फैन नंबर वन, तो चलिए मिलवाते हैं। दो है प्रतियोगी, आखिर कौन ले जाएगा बाजी मारकर, चलिए देखें। मेरे मस्त मस्त तूने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, मेरे मस्त मस्त तूने मेरे मस्त मस्त तूने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, मेरे मस्त मस्त तूने मेरे मस्त मस्त तूने मेरे दिल का ले गए जय, मेरे दिल का ले गए जय, मेरे मस्त मस्त तूने। नैनों में बस एक बार अदिति से मिलने की आस लिए, अपने आसपास हर वक्त उनकी मौजूदगी का एहसास लिए और दिल में सिर्फ और सिर्फ मिस गुप्ता के लिए खुद को साबित करने का जज्बात लिए, आज एक बार फिर से कई लोगों में से चुने दो फैंस के बीच होगी फैन नंबर वन बनने की कड़ी परीक्षा। तो इस परीक्षा में शामिल होने वाले पहले कंटेस्टेंट हैं इमरान खान। नहीं नहीं, वो क्रिकेटर नहीं, बल्कि वो तो मुंबई के ही निवासी हैं। कंटेस्टेंट नंबर टू सुमित, जो कि पुणे से हैं। वैसे एक मिनट, सुमित की हंसी पर मत जाइए, ये तो इनकी बचपन की आदत है जो आगे इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। तो इमरान और सुमित, वेलकम टू सास बहू साजिश फैन नंबर वन। थैंक यू वेरी मच। कभी आपने अखाड़े में कसरत की, कुछ कुश्ती की? बचपन में की। बचपन की वो चीज आज फिर से हम आपको याद दिला, क्योंकि आज आपका टास्क है कुश्ती। तो मिलना चाहेंगे आप हमारे पहलवान से? तो इस पहलवान को देखकर ना सिर्फ सुमित अपनी बचपन की कुश्ती भूल गए, बल्कि इमरान भी डर गए। काम कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं, बस शर्त ये थी कि दोनों को 5-5 मिनट इस अखाड़े में इस पहलवान के साथ बिताने हैं, और जो भी सबसे ज्यादा वक्त अंदर बिताएगा वो बनेगा हमारा फैन नंबर वन। तो सबसे पहले मैदान जंग में उतरे इमरान। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। पहला जो उनका यहाँ पर एक बहुत जोरदार का फटका पड़ा था, शायद उन्होंने इतनी एनर्जी नहीं लगाई थी, थोड़ी एनर्जी थी लेकिन वो काफी नेक्स्ट पे लगता है मुझे मलम वगैरह लगाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट तो टिकना बहुत दूर की बात है। अरे मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। उसके बाद फिर तो मैंने उनसे दूरी बनाए रखी, मैंने सोचा जितना दूर रहा जाए उनसे अच्छा है। गगन गगन बरसावे रे वो ठंडे तेरे, जो सबका भार उठावे रे वो हिदा। लग रहा था मैं उनकी मसाज कर रहा हूं। जब घड़ी कठिन सी आवे रे वो झट से सबल बन जावे रे, जो सबका भार लगावे रे। 10 इमरान की इस कुश्ती परीक्षा के बाद मैदान में उतरे सुमित, जो अभी भी हंस रहे थे। शायद इन्हें लगा होगा कि मैं इस पहलवान को 2 मिनट में अपने दोनों हाथों से उठा लूंगा। Go!
लग रहा था नहीं टिक पाऊंगा जब 5 मिनट इसके अंदर। मरा किसमें है दम धर सिंह है ये सिंह हम मन भव रूढ़े तन सिंह रूढ़े जब खबर उठे जलेगा मैं 10-15 बार तो जलेगा मैं दिल का सच्चा है इस दिल में कौन से में टकरा है दो बार ने पूरी कोशिश की और बहुत मार भी खाई लेकिन अखाड़े में जो सबसे ज्यादा देर तक टिका वो था इमरान। सो इस टास्क के विजेता थे इमरान मगर लेकिन मैं सोच रहा था कि वो एज अ कॉम्पिटिटर मैं उसे हरा दूं पर हराया तो लेकिन फिर वो हारता और उसने इतनी ज्यादा एनर्जी लगा दी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। फाइनली मैंने उसको सुमित तो सुमित की एनर्जी और अपनी नई नई दोस्ती के मद्देनजर इमरान ने अपनी जगह सुमित को बनाया फैन नंबर वन। वाह इमरान, तो अब टाइम था अदिति गुप्ता से मिलने का। मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, यही वाला मीट है मेरा। मुझसे बाहें ना छुड़ा कहीं कमर के पीछे पीछे गिर जाएगा होगा। I am with you, I'm with you, you ना घबरा। मैं तेरी पट्टी खोल रहा हूँ, मैं पट्टी खोल रहा हूँ तेरी। जो भी होगा I am with you। एक मैं हेलो हेलो सुमित, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आपने बहुत आपको दिखाई दे रहा है इसकी वजह से शर्मा रहा है यार। दिस इज मी ओनली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाय सुमित, दिस इज आदिति। मैंने सुना है कि आपने बहुत धक्के खाए हैं। कुश्ती भी लड़ा है। कुश्ती लड़ाई इन लोगों ने आपसे? क्यों मना नहीं किया तुम लोगों ने इससे? तुम्हारी शर्ट वर्ट भी फट गई है। हाँ हाँ उतार लो, कोई बात नहीं, मैं कुश्ती देख रही। हैं ये सुमित थोड़े से शर्मीले हैं, वो जरा अपनी जो चीजें हैं जो भावना है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। वही क्या ये सच है? तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मुझे इतना पसंद करते हो? बताओ फिर, आपको कुछ बताना तो पड़ेगा ना। मैं तो जबरदस्ती तारीफ करवा रही हूँ। That's so sweet and your this gesture of going through the whole task is only enough and you know I'm so happy, thank you so much Sumit। What's your surname? तुम्हें चाहो, आप कहाँ से आए? ग्वालियर। नहीं बेसिकली मैं पुणे में रहता हूँ 14 ईयर से और ग्वालियर उन समय में रहा। तो पुणे से आए हो? लास्ट वीक मैंने आपका सीरियल देखा था स्लाइड प्लीज, इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ उसमें मैं बड़ी सीधी सी लड़की थी ना, इसलिए किसी ने पसंद नहीं किया मुझे। यहाँ मैं तेरी मेरी लड़की सब पसंद कर पाता है मुझे। कुछ खा ले प्लीज, मैं शूट से आई हूँ, प्लीज गिला दो मुझे। बोरिंग जिंदगी के मुंह पे छिड़केंगे पानी, इस पल के हम बादशाह करे क्यों ना मनमानी। उनकी बातें भूल जा, खुशियाँ सजा। फायदे में मेरा गिफ्ट क्या है? भूल गया, सॉरी। भूल कैसे? तो मैं चली जाऊँ। भूल गए ऐसे कैसे भूल गई? ये थोड़ी नवाद होती है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में आया था, मुझे याद ही नहीं रहा। थैंक गॉड नहीं दिए, नहीं तो पता नहीं मैं शर्मा के से नीचे ही गिर जाती। क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। सुमित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा ना, मैं तुम्हें दीवानी हो गई तुम्हारी। मैं क्या करूँ? चलो आर के पोज़ जैसे राउंड मारो और ऐसे करो और ऐसे झुको। चलो झुको झुको एंड द स्टोरी एंड। आई लव यू।
यार हाथ मिला के मैंने आज पहली बार देखा है लव यू आई स्वेयर। पत्थर के इन रस्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए है जैसे खुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। तो बेसिकली मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, उसके जवाब मत देना, आंसर देना पड़ता है। ठीक है, कैसा लगा तुम्हें उस मोटे अंकल से चिपक के? अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी बेकार। अदिति की एक और फैन थी जो पिछले कई दिनों से सिर्फ एक बार अदिति से बात करना चाहती थी, तो उनकी यही ख्वाहिश पूरी की सास बहू और साजिश ने। हेलो हेलो अदिति, हाय दिव्या। हाय 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 Thank you so much. I heard about you. There is one girl from Bangalore. I would like, you know, I said I'm really inquisitive. Even I want to talk to her. So I just asked him to like call you. I'm sorry if it's too late to call you. Please talk to तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है कैसा कुमार है। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर कि आप यहाँ पर आए पुणे से। कैसा कुमार है। अब मुझे आपको एक हफ्ते मे गॉड गिव यू एवरीथिंग, आपको जो चाहिए जिंदगी में, बहुत सारा आगे जाओ, बहुत सारा काम करो, बहुत सारी मेहनत करो एंड ब्लेस। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और धर्मेंद्र पांडे के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। फौरन हाजिर होंगे क्योंकि अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। सास बहू और साजिश।